आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मनासा विधायक निधि, सांसद निधि और जन सहयोग से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। दानदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जब ऑक्सीजन का संकट आया तब भी दिन रात ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रही, इस प्रयास में जुटे रहे। इसके बाद उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांट का काम मनासा में प्रारंभ हुआ। सहांठ हमारे मरीज भाई बहनों को सीधे इस प्लांट से ही ऑक्सीजन व्यवस्था हो जाएगी। माधव जी ने विधायक निधि से भी रुपए दिए। दानदाताओं ने पत्रकार मित्रों से सहयोग मांगा, सहयोग किया और सहयोग की ये भावना ही कोरोना संक्रमण से हमको मुक्त करेगी। मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त 10 बेड की पृथक से व्यवस्था चाइल्ड कोविड केयर सेंटर के रूप में की गई, जो संभावित कोविड की तीसरी लहर का सामना करने की तैयारी के रूप में है। तीसरी लहर की तैयारी हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, माधव जी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, सरकार प्रशासन के साथ मिलकर। और 60 बेड का डोम युक्त कोविड सेंटर का काम वर्तमान मनासा में चल रहा है। मैं इसके लिए माधव जी मारू को बधाई देता हूं। चाहे माता बहने हों, बच्चे हों, आगे आने वाले समय में यदि कोई संकट आता है उस समय चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था हो जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे कोविड प्रभारी मंत्री, सांसद अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने एक नया मॉडल खड़ा किया, जन भागीदारी का, जनता के साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का, और आज मनासा इसमें अग्रणी है। मेरी तरफ से सभी दानदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर कोरोना से लड़ने का संकल्प लें। अब हम अनलॉक की प्रक्रिया में है, धीरे धीरे प्रतिबंध खुलेंगे, आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन हमें सावधानी पूरी रखनी है क्योंकि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए धीरे धीरे सभी गतिविधियों को हम खोलेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने में जरूरी है जैसे मास्क, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, इन्हें जीवन का अंग बना ले। और दुनिया दुकानदार भी दुकान खोलने पर कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करे। सरकार टेस्ट जारी रखेगी ताकि कहीं भी कोई पॉजिटिव मामला आए तो तत्काल उपचार किया जाए। विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। नीमच जिला कोविड प्रभारी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व मंत्री कैलाश चावला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज वर्मा भी मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजेश पाटीदार ने किया और कार्यक्रम समापन एसडीएम मनीष जैन ने सभी का आभार माना। जगदीश जटिया का हुआ सम्मान। मनासा निवासी जगदीश जटिया, जो एक छोटी सी गुमटी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन जब मनासा पर संकट आया तो उसने अपने परिवार की चिंता नहीं की और अपनी गुमटी में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर मनासा कोविड केयर सेंटर को दिया। लोकार्पण अवसर पर कोविड प्रभारी सखलेचा, सांसद गुप्ता और उपस्थित अतिथियों ने जगदीश जटिया लोहार का सम्मान कर प्रशंसा पत्र भेंट किया। विधायक मारू ने कहा, हमने 16 अप्रैल को मनासा में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। मैं नमन करता हूं जगदीश जी को, जिसने पहला सिलेंडर मनासा के कोविड सेंटर के लिए दिया। मुझे गर्व है मनासा पर, हर किसी ने अपनी क्षमता से अधिक मदद की। एक ऐसा व्यक्ति सावनकुंड निवासी अमर सिंह भाना बंजारा को भी मैं नमन करता हूं, जिसने मुझे रास्ते चलते हाथ देकर रोका जब मैं नीमच आपदा प्रबंधन की बैठक से शामिल होकर मनासा आ रहा था। अमर सिंह ने मुझे रोककर कहा, 51,000 रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए ले जाइए। साथ ही विधायक जी ने अन्य सभी दानदाताओं का आभार माना जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट में सहयोग किया। 10 बेड वाले चाइल्ड कोविड केयर सेंटर का भी लोकार्पण। मनासा में प्रदेश का तहसील स्तरीय पहला ऑक्सीजन प्लांट तैयार होने के साथ 10 बेड वाला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया। संभवतः यह उज्जैन संभाग का पहला चाइल्ड कोविड केयर सेंटर होगा जो सबसे पहले शुरू होगा। यह संभव हुआ मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के प्रयास से। स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर का प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर पड़ सकता है, इससे निपटने के लिए मनासा में पूर्व से तैयारियां की जा रही है। यहां 10 बेड का चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर बनाया गया, सभी ऑक्सीजन युक्त होंगे। वर्तमान में 10 बेड पर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाई गई। प्लांट शुरू होने के साथ ही सभी बेड को उनसे भी जोड़ा जाएगा। सेंटर में भर्ती होने वाले बच्चों का मनोरंजन होता रहे उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई। सेंटर का डेकोरेशन उसी अनुसार किया गया। मनोरंजन के लिए सेंटर पर एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक जिप सहित अन्य खिलौने, दीवारों पर चाइल्ड पोस्टर लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट के साथ सेंटर पर बने चाइल्ड कोविड केयर सेंटर का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। 55 लाख की लागत से बना प्लांट। मनासा का ऑक्सीजन प्लांट करीब 55 लाख की लागत से बना है। इसमें विधायक मारू ने 25 लाख की विधायक निधि जारी की। सांसद सुधीर गुप्ता ने 10 लाख की राशि दी। वहीं आमजन का भी भरपूर सहयोग मिला। दानदाताओं से करीब 33,833 रुपए की राशि प्राप्त हुई। 325 लीटर प्रति मिनट देगा ऑक्सीजन। विधायक और सांसद निधि के साथ जन भागीदारी से बने मनासा का ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में तहसील स्तर पर स्थापित होने वाला सबसे पहला प्लांट है, जिसका आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया।
इस ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी 323 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने की है, जिससे 75 सिलेंडर प्रतिदिन भरे जा सकेंगे और 50 बेड पर सीधे प्रतिदिन ऑक्सीजन दे सकेंगे। नीमच से नरेंद्र कुमार चौधरी की रिपोर्ट।